बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती की गई है। जी आपको बता दें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि रूटीन चेकअप के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, और ये भी बताया जा रहा था कि अस्थमा की शिकायत थी उन्हें, जिस वजह से इमरजेंसी में उन्हें भर्ती कराया गया था। बता दें कि 73 साल की सोनिया गांधी बीते कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रही है, और अक्सर इलाज के सिलसिले में उन्हें विदेश जाने की खबरें सामने आती रहती हैं, और शायद यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता भी पहले से बहुत कम हो गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के कारण उनके एक बार फिर पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ी है, और खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी अभी फिलहाल ठीक बताई जा रही हैं, और अस्पताल में उनके साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी मौजूद है। पिछले साल दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही थी, और अभी भी लगातार सोनिया गांधी जनता के समर्थन में लगातार सड़कों पर भी देखी जा रही थी और विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन अभी वो अस्पताल में एडमिट है, जहां पर उनके बेटे और बेटी भी मौजूद है। SPN 9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।